हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी बच्चों? तैयार हो जाइए अपनी नेक्स्ट पोयम, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। बच्चों कीपिंग क्वाइट, आप भी कीपिंग क्वाइट रहिए और ध्यान से जो है पोयम को पढ़िए। और पोयम का नाम भी कीपिंग क्वाइट है, यानी कि शांत रहना। बच्चों ये जो पोयम है ये पैब्लो नेरुडा की लिखी हुई पोयम है। पैब्लो नेरुडा जो कि हमें इस पोयम के अंदर बहुत अच्छी बात बताएंगे, जिसको हम पोयम के अंदर जानेंगे। तो बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चारू स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। देखिए बच्चों बहुत ही अच्छी है, वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन में आपको बताऊंगा। नाउ आई विल काउंट टू ट्वेल्व एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। क्या बोल रहा है यहाँ पर पोएट? अब हम क्या करेंगे, आई विल काउंट टू ट्वेल्व कि हम 12 तक गिनेंगे। नाउ वी विल काउंट टू ट्वेल्व, अब हम 12 तक गिनेंगे और क्या हो जाएंगे, एंड वी विल कीप ऑल साइलेंट, और हम सभी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, यानी कि गतिहीन बने रहेंगे, बिल्कुल मूव भी नहीं करेंगे, स्टिल हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए इस धरती पर, भाई 12 तक गिनेंगे फिर एक बार के लिए इस धरती पर क्या नहीं करेंगे, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, एक सेकेंड के लिए ऐसा रुक जाएंगे, और एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, और अपने हाथों को भी नहीं हिलाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, एक पल के लिए इस धरती पर किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, एक पल के लिए क्या करेंगे, हम अपने हाथ बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, ऐसे रुक जाएंगे। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन, वी वुड बी द टूगेदर बी टूगेदर इन अ सडन स्टेंसनेस। तब क्या कह रहा है पोएट आगे, इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, वो पल कैसा होगा, बला ही बड़ा ही विलक्षण पल होगा, मतलब क्षण जो होगा ना वो विलक्षण क्षण होगा। विदाउट रस बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन बिना इंजन के, मतलब गाड़ियाँ नहीं दौड़ेगी। वी वुड ऑल बी टूगेदर, हम सभी एक साथ होंगे, तब क्या होगा, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, तभी वातावरण बड़ा ही अचानक से हम सभी एक साथ होंगे तो वातावरण भी बड़ा अजीब होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल एंड द मैन गैदर्ड साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। क्या दिया है बच्चों देखो, फिशरमैन जो मछुआरे हैं, कुड नॉट इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन मनुष्य गैदरिंग साल्ट जो नमक इकट्ठा करने वाले हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने जख्मी हाथों की ओर देखेंगे। तब क्या होगा देखते हैं, Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर, Those, वे लोग who prepare green wars, जो क्या करते हैं, green war, हरे युद्ध की तैयारियाँ करते हैं, wars with gas, जो गैस से लड़े जाने वाले युद्ध, वार्स विद फायर, जो अग्नि से लड़े जाने वाले युद्ध की तैयारी करते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, उनमें जीत तो होगी, मतलब जीत तो जाएंगे लेकिन क्या होगा, नो सर्वाइवर्स, जीतने वाला भी जिंदा नहीं होगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, नए कपड़े पहनेंगे हम सभी, जैसे बोलते हैं ऐसे लोग क्या करेंगे, नए वस्त्र पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलेंगे, और इन द सेड एक छाव में डूइंग नथिंग, बिना कुछ करे क्या हो जाएंगे, एक छाव में जाकर के सभी एक साथ शांत बैठ जाएंगे। फिर देखते हैं आगे क्या बोलता है लेखक, व्हेन आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट लाइफ इट व्हाट इट इज अबाउट, इन व्हाट नॉट इन आई वांट नॉट ट्रक विद डेथ, If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt their sadness of never understanding ourselves and the threatening ourselves with death. देखो क्या बता रहा है यहाँ पर पोएट, क्या बोल रहा है, What I want, कि जो मैं चाहता हूँ should not be confused, कि उसमें बिल्कुल भी शुड नॉट बी कन्फ्यूज, उससे बिल्कुल भी जो है निष्क्रिय नहीं समझे, किसमें, विद टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता के साथ उसको नहीं, बिल्कुल भी भ्रमित होकर के नहीं क्या बोलते हैं,
कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, पूर्ण पूरी तरह से भ्रमित नहीं होना चाहिए। क्या व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, कि पूर्ण निष्क्रियता के साथ में, इनएक्टिविटी पूर्ण निष्क्रियता के साथ में, या पूर्ण निष्क्रियता जो है उसको नहीं समझना चाहिए गलती से भी, मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और पूर्ण निष्क्रियता भी नहीं समझनी चाहिए, गलती से भी नहीं समझनी चाहिए। लाइफ इज व्हाट इज इट इज अबाउट, जीवन वही है, क्या जीवन वही है जिसका कोई उद्देश्य हो, इट इज अबाउट या जिसके लिए जिया जाता है। आई वॉन्ट नॉट रग विद डेथ, मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम एक मत वाले नहीं बनते हैं, सिंगल माइंडेड जानते हो, एक लक्ष्य वाले नहीं बनते हैं अबाउट कीपिंग और लाइफ मूवीज, अपने जीवन को चलाने के लिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक पल के लिए कुछ भी नहीं करे तो क्या हो जाएगा, पर हैव्स ए यूज साइलेंस, भाई एक पल के लिए कुछ भी न करे तो क्या हो जाएगा, पर हैव्स ए यूज साइलेंस, विशाल चुप्पी जो है माइट इंटरप्ट, वो क्या दखलअंदाजी करेगी दिस सैडनेस, इस उदासीपन में। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो हमारे अंदर कभी ना समझने वाली, मतलब जिसको हम कभी समझ भी नहीं पाएंगे, ऐसी क्या करेगी। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और ऐसी धमकी हमारे अंदर, मतलब मृत्यु के खतरे में डाल देने वाली धमकी जो हमारे अंदर पैदा हो जाएगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, कभी नहीं समझ पाएंगे और अपने आप में और सेल्वेज, एंड ऑफ थ्रेटनिंग और सेल्वेज विद डेथ, और क्या हो जाएगा कि अपने आप को मृत्यु के खतरे में डालने की समस्या कारण भी पैदा हो जाएगी। पर है द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती हमें सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स, जब सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है कैसा डेड, एंड लेटर प्रूव बी अलाइव, और बाद में क्या हो जाए जीवित साबित हो जाता है। मतलब पृथ्वी हमें क्या सिखाती है या सीख देती है कि जब तक जो मृत प्रतीत होता है वो बाद में क्या होता है जीवित प्रतीत हो जाता है। नाउ आई विल काउंट टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम शांत बैठ जाओगे और मैं चला जाऊँगा। देखो बच्चों, अब आप सोचते होंगे सर चैप्टर में ऐसा क्या दे रखा है, ऐसा क्या है, तो ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। पोएट जो है हर एक चीज़ से क्या कर रहा है, एक तरह से जिसको हम कहते हैं ना इंडिकेशन करना, या फिर जैसे आह्वान करना, मतलब हर चीज़ के लिए बोल रहा है पोएट जो है कि ऐसा करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हो। एक बार फिर से मैं आपको लाइन टू लाइन आपको ये टाइम बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नाउ आई विल काउंट टू 12, अब मैं 12 तक गिनूँगा, एंड वी नाउ वी विल काउंट 12, अब मैं 12 तक, हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत बैठ जाएंगे। फॉर वंस, एक पल के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती के ऊपर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, एक पल के लिए रुक जाएंगे, क्या, एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, और अपने हाथों को भी नहीं हिलाएंगे, ऐसा स्थिर हो जाएंगे एकदम। आई इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, ये पल जो होगा बड़ा ही विलक्षण पल होगा, एग्जोटिक विलक्षण, विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन, बिना इंजन के, मतलब गाड़ियाँ नहीं चलेगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे, इन अ सैडनेस स्ट्रेंजनेस, इस अजीब वातावरण के अंदर। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे ठंडे समुद्रों में, वुड नॉट हार्म वेल, मछलियों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। एंड द मैन, और मनुष्य, गैदरिंग साल्ट, जो नमक इकट्ठा करने वाले हैं, वुड लुक एट इज हर्ट हैंड्स, अपने जख्मी हाथों की देखभाल करेंगे। उसके बाद क्या है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे लोग जो हरे युद्ध की तैयारी करते हैं, वार विद गैस, जिसमें गैस का युद्ध, वार विद फायर, अग्नि युद्ध, विक्ट्री, जिनमें जीत तो जाते हैं, विद नो सर्वाइव, लेकिन जीतने वाला भी जिंदा नहीं होता। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, नए कपड़े पहनेंगे हम सभी, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलेंगे। इन द सेड, एक छाँव में, डूइंग नथिंग, बिना कुछ करें, सभी एक साथ रहेंगे। कैसे, कि वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, जो मैं चाहता हूँ उससे बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना चाहिए, विद टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन का जो उद्देश्य है वैसा ही जीवन जीना चाहिए। आई वॉन्ट नॉट रग विद डेथ, मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम एक विचार वाले नहीं बनते हैं, अबाउट कीपिंग और लाइफ मूविंग, अपने जीवन को चलाने के लिए। फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो एक पल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर हैव्स ए यूज साइलेंस, शायद एक विशाल चुप्पी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासीपन में क्या करेगी, दखलंदाजी करेगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज, जिसको हम कभी नहीं समझ पाएंगे। एंड दैट ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्वेज विद डेथ, और क्या हो जाएगी, हमें मृत्यु तक हम अपने आप को ले जाएंगे। पर हैव्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती हमें सिखा सकती है। क्या
एज वैन एवरी थिंग सीम्स डेड, कि जो हमें मृत नजर आता है, मृत प्रतीत नजर आता प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, वो बाद में जिंदा हो सकता है। समझ गए ना कैसे? जैसे मान लो एक बीज है, तो एक बीज को डाल दो कुछ मतलब का नहीं, उसको लगा दो वो धरती से निकल के पौधा बन जाएगा ऐसे। नाउ आई विल काउंट टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू विल कीप, एंड यू कीप वाइट, तुम शांत रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। हो गया बच्चों? इसमें देखिए क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे हैं, कई बार बच्चों के पास बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती है तो आप इसमें देख सकते हैं। देखो, व्हाट विल काउंट अप टू 12 एंड कीप स्टिल हेल्प अस अचीव, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, मतलब बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इन सब के बारे में। आप देखिए पहले क्वेश्चन, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफरेंस टू इन द पोएम, क्या है वो उदासी, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर, नेचर से क्या कौन सिंबल लेता है, डज द द पोएट इन वॉक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। तो इन सब के बारे में जो है बच्चों आप लेसन को तैयार कीजिएगा, बाकी आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चैप्टर हमारा बच्चों ये कंप्लीट होता है, आप चैप्टर को बार बार पढ़िए, तैयार कीजिए, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक गुड डे, गुड बाय।